अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज जर्नी बाय ट्रेन, बाय रेल एंड ट्रेन, एक रेलवे का सफ़र या एक ट्रेन का सफ़र। आई वाज इनवाइटेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन एट लाहौर लास्ट ईयर। मैं पिछले साल अपने दोस्त के यहाँ लाहौर में इनवाइटेड था। इट वाज ऑन 20th अगस्त, जो कि 20 अगस्त का दिन था, दैट आई लेफ्ट कराची फॉर लाहौर। मैं वापस कराची से लाहौर बाय शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के ज़रिए आया। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल एंड स्टिर, बसल टी जो होगा वो साइलेंट होगा, बसल होगा, ठीक है ना। एंड स्टिर एट द स्टेशन व्हेन आवर ट्रेन स्टार्टेड, जब हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार हुई तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, ठीक है। आई लीन्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट एंड वेव्ड माई, मैं अपने विंडो से बाहर झांक रहा था अपने वो डब्बे में, या अपने जो उनकी होती है रिजर्वेशन जहां होती है कंपार्टमेंट में, एंड वेव्ड माई कर्चीफ कहते हैं रुमाल को, सरबंद को, टू माई फ्रेंड्स एंड कज़न्स हु हैड कम टू सी मी, वो मुझे अलविदा करने के लिए आए, एंड दे डिड द सेम, और उन्होंने भी वही सेम हुलिया अपनाया हुआ था। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही लम्हों में, द स्टेशन डिसअपीयर, स्टेशन मंजर से धुंधला हो गया, इन टू अ डिस्टेंस, कुछ फासले पर स्टेशन जो था वो धुंधला हो गया था, आँखों से ओझल हो गया था। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर सम टाइम एट कराची कैंट एंड स्टार्टेड अगेन, ट्रेन जो थी वो कुछ लम्हे के लिए कराची कैंट पर रुकी और फिर दोबारा अगेन दोबारा स्टार्ट हुई। देयर वर 4 पैसेंजर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यहाँ पर मुझको मिलाकर, माई सेल्फ मना खुद को मिलाकर 4 पैसेंजर कहते हैं सवारियों को, मुसाफरों को, इन द कंपार्टमेंट, मेरे वाले हिस्से में मुझे मिलाकर 4 मुसाफिर थे। आई वाज नॉट इन अ मूड ऑफ कन्वर्जेशन मना मुकालमाबाजी या बातचीत, मैं किसी भी बातचीत के मूड में नहीं था। आई पीप्ड का मतलब होता है झांकना, आउट थ्रू द विंडो, मैं विंडो से बाहर झांक रहा था। द स्काई वाज ओवरकास्ट विद जेटी कहते हैं स्याह, चमकदार स्याह बादल, क्लाउड्स बादल को कहते हैं, एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग बूंदाबांदी, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो वहां पर स्याह बादल चमक रहे थे और कुछ ही लम्हों में बूंदाबांदी शुरू हो गई, मतलब बारिश हल्की फुल्की शुरू हो गई। द ट्रेन वाज रनिंग एट आ स्पीड ऑफ अबाउट 90 km मतलब किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो थी वो 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रही थी, रनिंग भागना। द ट्रीज एंड द टेलीग्राफ पोर्ट्स सीम टू बी रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो भी ट्रीज़ या जो भी चीज़ें हमें ट्रेन चलते हुए तेज़ रफ्तारी से नज़र आ रही थी वो मुखालिफ सिमत में जाती हुई नज़र आ रही थी। पैनोरामा कहते हैं मुकम्मल मंजर, नेचुरल सीनरी वाज पासिंग बिफोर माय आईज, एक मुकम्मल कुदरती मंजर मेरी आंखों के सामने है। द ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेलवे लाइन प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल सीन, ट्रेन के दोनों जानिब हरे भरे खेत जो कि खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। प्रेजेंटेड का मतलब होता है पेश करना, ब्यूटीफुल सीन मंजर। आई वाज लॉस्ट इन वाचिंग दिस सीन, मैंने वो लम्हा, वो खूबसूरत जो लम्हा था वो कुछ ही लम्हों में खो दिया। आई वाज रोज्ड फ्रॉम द रेवरी बाय अ स्लाइट जर्क, मैं एक खूबसूरत ख्याली नींद में था जब मुझे झटका लगा। जर्क का मतलब होता है झटका लगना,
द ट्रेन हैड स्टॉप्ड एट जंग शाही स्टेशन. ट्रेन जो थी वो रुकी जंग शाही स्टेशन पर. आई होप कि ये ऐसे बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.